सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ रोहन मकानिया। तो भाई आपको फ्रेम में दिख रही होगी एक तरफ अपनी ब्रेजा और एक तरफ दिख रही होगी टाटा पंच। अब पंच जो है टाटा की तरफ से न्यू ऑफरिंग है, खैर हो तो एक साल गया, और स्टिल ब्रेजा तो आपको पता ही है, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में धूम मचा रखी थी, डीजल वाली है ये। तो दोनों की मैं आपको पावर स्पेक्स बता देता हूँ। ये पंच है जो अपने पेट्रोल में आती है, ये है अपनी 83 हॉर्स पावर है, टॉर्क इसका 113 Nm। तो भाई और ये आती है मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, और जब ये ब्रेज आती तब ये भी डीजल में आती थी खाली, और ये है AMT गियरबॉक्स के साथ। तो भाई इसकी जो हॉर्स पावर है 90 है, टॉर्क है इसका 200 Nm। तो भाई पावर स्पेक्स में तो AMT और मैनुअल में कोई फ़र्क नहीं था, बस जो फ़र्क था ना वो गियरबॉक्स का था, क्योंकि भाई AMT सबको पता बहुत ज़्यादा लैगी होता है, और वैसे ही मेरी गाड़ी 1,00,000+ चल गई है, तो भाई इसका तो गियरबॉक्स अभी काम मांग ही रहा है, मतलब क्लच का। तो फिर भी ड्राइव रेस करते हैं इनकी और देखते क्या रिजल्ट है। बाकी भाई वेट में वो 1200 किलो की है, ये अपनी 1000 किलो की है, ब्रेजा 200 किलो भारी है इससे फिर भी। और व्हील स्पिन भी AMT में मार देता हूँ इसमें, और इसका गेयरबॉक्स नेक्सॉन की तरह नहीं है स्लगिश, इसका गेयरबॉक्स ठीक है नेक्सॉन के अकॉर्डिंग, क्योंकि नेचुरली रेस्पिरेटेड बाई टर्बो लैग इसमें है, इसी से उठती चली जाती है। बाकी अपने भाई लोगों तो पूछते हैं क्या लग रहा है भाई मानचू भाई। भाई असी तो वीर जी नाल है, वीर जी नाल हो तुसी, ब्रेजा जीतनी है, क्या लग रहा भाई लोग? कुछ नहीं AMT है ना ये, AMT है, पर मैंने पिछली बार जो है सिटी मोड में लगा के नेक्सॉन के साथ करी थी, तो ब्रेजा जीत गई थी उसमें, जीतेगी क्योंकि मैंने भी की हुई है। बाकी हाँ, देखते हैं क्या, बाकी देखते हैं। चलो चलो भाई करते हैं ट्रैक रेस और आपको दिखाते हैं क्या रहते हैं इनके रिजल्ट। तो भाई आ गए पहले राउंड में, कोई मोड आता नहीं इसमें, रॉ गाड़ी है, बस मैनुअल में चलाऊंगा सिटी मोड में, ट्रैक्शन आता नहीं, ये रॉ गाड़ी है, इसको मैनुअल में चलाऊंगा मैं, ठीक है? तो भाई इसमें कोई मोड नहीं आता ना, बस मोड फ्री कार है। चलो जी अरे 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 भाई इसमें वो हो गया, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी दिक्कत, तीसरा गियर लग गया था मैनुअल मोड में, भाई पकड़ लेगी ये, पकड़ लेगी, देखो चलो खींचते हैं भाई, देखते हैं कहां तक जाएगी वो, तीसरा इन लगता है पकड़ लेगी आराम से, देख लो अभी पकड़ रही है, पकड़ रही है, पकड़ रही है, आराम से पकड़ लेगी भाई, अभी देखना दूसरे राउंड में देखना, वो इसका तीसरा गियर लग गया था सामने आ गए, हाँ ये बच्चे आ गए थे, बच्चे और उसकी मम्मी भी आ गई थी। तो भाई इसके बाद भाई गलती से ना मैनुअल में लगे, तीसरा गियर लग गया था, मैनुअल में तीसरा लग गया था, हाँ वरना ये पकड़ रही थी। चलो करते हैं, आ जाओ सेम स्पेक्स के साथ, हाँ वही मतलब सिटी मोड, और इस गाड़ी में कोई भी ट्रैक्शन वगैरह आता नहीं है भाई, राउंड सेकंड कर रहे हैं, 1 2 3 कौन करेगा, वही करेंगे, 3 2 1 बस जो इसका गियर लैग आता है ना, हाँ वो तीसरा गियर लग गया था, नहीं तो भाई मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था इसमें, क्योंकि भाई डीजल है यार, डीजल यार और... इन्हें से कहा जीत पा रही है वो, इन्हें कहा जीत पाई, ये लो भाई है मारुति वर्सेस टाटा, टाटा ये देख लो, और जबकि 200 किलो भारी है ये, हाँ ये भी सेफ्टी सही है भाई इसकी, कमेंट मत करना, 3 का डब्बा 4 स्टार है, हाँ सबसे सेफेस्ट यही है मारुति की, देना देना सब कुछ ठीक था, सब कुछ, अरे सब तो ठीक था, पंच कैसे जीत रही थी नहीं हमारी तो भाई 100 पे आगे निकल गई थी, 80 पे आगे निकल गई थी, चलो चलो लो जी बॉक्सर भाई करते रुक जाओ, थर्ड राउंड स्टार्ट कर, ये लो भाई बिल्कुल शुरू से, देख लो भाई इनिशियल से ही अपनी है आगे,
देख लो भाई, देख लो भाई, टाटा का नोवा पीछे रह गया भाई, मारुति आ गया। देखो देखो कितने तक रेप करेंगे, देखो अभी वो देखो कहाँ पीछे रह गए, देखो 5500 रुपए तुम करती है भाई, ये देख रहे हो दो गाड़ी से ज्यादा भाई। अब इसमें एक जना डाल देना अगर इसको हराना है तो कर लेते हैं, ये भी एडवांटेज देके देखते हैं, देख देख लेते हैं। देख लो भाई ये कुछ फर्क रहता है ब्रेक और इसमें ऑटोमेटिक, सब पंच पंच कह रहे थे, और अगर ये मैनुअल होती ना भाई सब रेल ही बना देती इसकी, AMT ने रेल बना दी थी ये, देख लो ये है भाई, देख लो कुछ फर्क ऐसा। मारुति मारुति भाई स्माइल कंटिन्यू है। अरे भाई मैंने तो पहले ही कहा था एक एक जने को इधर भेज दो। अरे नहीं ठीक है, लास्ट राउंड करते हैं फाइनल। स्मेल भी आ रही क्लच प्लेट की, मेरी गाड़ी में से तो नहीं आ रही। नहीं चलो जी, तो भाई लास्ट एंड फाइनल राउंड कर रहे हैं, राउंड 4। तो भाई लास्ट एंड फाइनल राउंड, 3 2 1। टायर स्पिन मार रहा है भाई, थोड़ी लॉन्च में लेट, बस ये दूसरे गियर में लैग मारती है भाई। गई गई गई, लेकिन अभी बराबर चल रही है। गई 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 गई, ये लो भाई गैप आप लोगों के सामने, 5000 रुपए का गियर ही नहीं बदलूंगा इसका, उसके बाद ही बदलूंगा, देख लो गैप कम है पर भाई इसे नहीं जीतना है। जीत गई भाई, जीतना क्या है। एक तो भाई हिमांशु भाई इधर खड़े हुए थे ना, धुआं कितना फेंक रही है, वहां बहुत फेंक रही है ब्रेजर। चलो भाई करते हैं यहाँ से लास्ट राउंड। लो भाई कवर करके, लो जी देख लो भाई ये कुछ फर्क है, इंजन भी हीट हो गया इसका, ये भी दिखा दो इंजन हीट मार गया भाई इसका। इंजन हीट हो गया भाई इसका ब्रेजर का, देख लो। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाई दोनों की ड्रैग रेस करते तो ऑफ कोर्स ब्रेजर ने जीतना था क्योंकि भाई डीजल है, पर भाई मेरी ब्रेजर के साथ क्या हो गया, देखो हीट मार गई भाई, ये वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और स्मेल तो इसमें से आ रही क्लच प्लेट की, पर भाई ये हीट मार गई। देखो मैंने मारुति ऑथराइज से कराई थी सर्विस और मैंने भी तब ध्यान नहीं दिया, देखो इन्होंने क्या कर रखा है, फुल कूलेंट यहाँ होता है और इन्होंने ऊपर तक भर रखा है भाई, कितनी गलत बात है। मतलब कि 8000 रुपये की सर्विस कराई भाई, 1,13,000 चल गई मेरी गाड़ी, देख लो क्या सर्विस करती है मारुति भाई, हीट मार गई गाड़ी। और मैंने पहले भी करी थी भाई ड्रैग रेस, तब भी कोई इशू नहीं आया, फिर भी देख लो। और ये तो गर्मियों के दिन नहीं है, नहीं तो भाई हो जाता इसका काम तो भाई, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और यज्ञ भाई ने वीडियो बनाई पीछे से धुआं भी आ रहा था इसमें से, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, क्लिप शेयर कर दूंगा, देख लो भाई ड्रैग रेस कर सकते हो। पता नहीं मेरी गाड़ी में ही पता नहीं क्या हो गया, वैसे तो भाई दुनिया करती है ब्रेजा से, मारुति के इंजन तो रिलायबल होते हैं, पर फिर भी इंजन से रिलेटेड नहीं है, या तो इसका रेडिएटर चोक है या तो कूलेंट इन्होंने ज़्यादा भर दिया, उससे ही है। बाकी तो भाई अपनी यही जीती है ब्रेजा पंच से, और बाकी भाइयों से पूछते हैं जो भाई कह रहे थे। हाँ जी भाई साहब, आप तो कह रहे थे पंच भाई, मैं अच्छा तो, नहीं भाई तो ब्रेजा कह रहे थे, सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो टाटा लवर है। हाँ टाटा लवर है, पर आज मारुति जीत गई भाई, फिर भी देखो AMT होने के बाद भी इससे जीत गई। अब बाकी उन भाइयों से और पूछते हैं जो कह रहे थे कि पंच ही जीतेगी। हाँ जी भाई साहब, पंच जीतने के कह रहे थे आप, क्या हुआ है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, देख लो भाई कह रहे भाई काट देना। तो देख ले भाई आप लोगों ने रिजल्ट कि अपनी जो है ब्रेजा ही जीतती है। वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, हिमांशु भाई के चैनल को, अपने बॉक्सर भाई के चैनल को और अपने यज्ञ भाई के चैनल को और वासु भाई को भी। ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।